हेलो दोस्तों, ऑल इन वन टीईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2018 चयनित उम्मीदवारों के काउंसलिंग संबंधी अति आवश्यक सूचना। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि बिहार के विभिन्न बीएड कॉलेजों में सत्र 2018 से 20 में नामांकन हेतु दिनांक 15/7/2018 को नालंदा खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2018 के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों में से मेघा एवं आरक्षण के आधार पर चयनित कुल 35,757 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग का आयोजन दिनांक 27/7/2018 से लेकर 8/8/2018 यानी कि 27 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच प्रातः 9 बजे से संध्या 6 बजे तक ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में काउंसलिंग आयोजित की जा रही है। रोल नंबर के आधार पर निर्धारित तिथिवार काउंसलिंग की विस्तृत सूचना के लिए नालंदा खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, जिसका वेबसाइट है www.nalandaopenuniversity.com को दिनांक 25/7/2018 को अपराह्न 5 बजे के बाद देखा जा सकता है। तो आज 5 बजे आप सभी का काउंसलिंग का जो लिस्ट है वो आज शाम को 5 बजे डाल दिया जाएगा। काउंसलिंग के लिए आमंत्रित सभी अभ्यर्थियों को नीचे विवरित सभी प्रमाण पत्रों को लेकर उपस्थित होना है। तो जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो निम्न जो डॉक्यूमेंट्स है उनको साथ में लेकर जाएंगे। पहला है कि मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, दूसरा है इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे, वहीं पे स्नातक का अंक प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल आप लेकर जाएंगे, जिसे औपबंधिक भी कहा जाता है। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है ग्रेजुएशन का तो आप प्रोविजनल भी लेकर जा सकते हैं। आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार को जो दिव्यांग का प्रमाण पत्र जो होता है उसको लेकर जाना है, आय प्रमाण पत्र WBC उम्मीदवार के लिए सक्षम पदाधिकार से निर्गत लेकर आपको जाना है, वहीं पे आवासीय प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है, और अगर सेवानिवृत्त सैनिक सैनिक कोटा का लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, वहीं पे परीक्षा के दौरान फोटो सीट पर चिपकाए गए फोटो की प्रति और आधार कार्ड या अन्य कोई भी पहचान पत्र लेकर आप जाएंगे, वहीं पे एडमिट कार्ड भी आपको लेकर उपस्थित होना है काउंसलिंग में। अभ्यर्थियों को यह प्रतिवेदित किया जाता है कि वे वर्णित सभी प्रपत्रों के साथ उपस्थित होंगे। तो इस तरह आप सभी देख सकते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स को बताया गया है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर काउंसलिंग में उपस्थित होना है। किसी भी प्रपत्र की कमी अगर आप सब में पाई जाती है तो छात्र को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कमी महसूस होती है तो आपको कोई इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। स्थान रिक्त रह जाने पर मेघा सह आरक्षण के आधार पर काउंसलिंग का दूसरा जो तिथि है वो भी प्रकाशित की जाएगी और कम अंक वाले का भी शामिल किया जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स का नाम इसमें दिया गया है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर काउंसलिंग में जाना है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी आती है तो आपको दूसरा कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, सीट रिक्त रहेगा तभी दूसरा काउंसलिंग का डेट निकाली जाएगी। तो इसलिए आप सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को मतलब चेक कर ले, जो कमी है उसको पूरा कर ले और एडमिट कार्ड लेकर जाएं। एडमिट कार्ड के साथ एक और फोटो स्टेट आप करवाए थे जिस पर बड़ा वाला फ़ोटो चिपका कर आप ले गए थे, उसको भी लेकर आप काउंसलिंग में जाएंगे। वहीं पे आधार कार्ड या अन्य कोई भी पहचान पत्र आप लेकर जाएंगे। तो आज शाम को 5 बजे काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, किस स्टूडेंट का किस दिन काउंसलिंग होगा, वो सारे विवरण आज शाम को 5 बजे 25/7/2018 को अपलोड कर दी जाएगी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए वीडियो उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से भी आप देख पाएंगे और देख सकते हैं।
तो चैनल पे बने रहिए, इस तरह की जो भी अपडेट आती है आप सभी को बताई जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मेरे चैनल पे आप सभी को मिल सके। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।